एक तरफ योगी और मोदी सरकार गांव के विकास को लेकर तमाम तरह की विकासवादी योजनाओं का हवाला देते हैं, गांव को शहरों से सीधे जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, कच्चे मकानों को पक्का किया जा रहा है, बिजली पानी और पक्के रास्ते की सौगात देकर गांव की कायाकल्प करने के सपने दिखाए जा रहे हैं। वहीं बुंदेलखंड का एक गांव ऐसा भी है जो आज भी विकास की भीख मांगने को मजबूर है। विकास से अछूते इस गांव को ना तो आज तक पक्के रास्ते नसीब हो सके हैं और ना ही पक्के मकान। देखिए एक रिपोर्ट। चेहरे बदले, हुक्मरान और अफसरशाही भी बदल गई, लेकिन जो न बदल सका वो सरकारी सिस्टम की लापरवाह तस्वीर। अब ऐसे में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अगर अपने लापरवाह अफसरों और जनप्रतिनिधियों की इस बेरखी को देखें तो जाने क्या करेंगे उनका। ये तस्वीरें गंजनपुरा की है। कच्चे रास्ते, कच्चे मकान और बिजली पानी जैसी आम जरूरतों को गंजनपुरा आज भी तरस रहा है। विकासखंड चरखारी की बम्होरी कला गांव में शुमार किया जाने वाला ये गांव विश्वास करिए आज तक मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। और हम बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से कोई साधन नहीं और ना कुछ हुआ, गाड़ी वाले कीचड़ भी नहीं जा सकते हैं और ना यहाँ कोई साधन है। तो आप लोग कैसे लेके जाते हैं यहाँ से? हम ऐसे जाते हैं लेके कि ना इन कन्या में लेके जाते हैं। कोई व्यवस्था जैसे ऐसी खराब होते हैं, बीमार आदमी नहीं जाता है तो उठा के ले जाते हैं। ये पकड़ा वो जाता है, हम भी जाते हैं, चार चार छह जने जाते हैं, जैसो कैसे वहाँ पर रह जाते हैं। चंद्रावल डैम से घिरे इस गांव में तकरीबन 10,000 से अधिक लोग रहते हैं। बावजूद इसके इस गांव की खुलेआम उपेक्षा की जा रही है। आलम यह है कि गंजनपुरा गांव में पहुंचने के लिए अगर कुछ है तो वो है ग्रामीणों के हाथों से बना एकमात्र पुलिया। गांव की बदहाली कहिए, बदकिस्मती कहिए या कुछ और, जो भी एक बार इस गांव में आता है वो दोबारा पलट कर विकास के वेंटिलेटर पर लेटे इस गांव की तरफ मुंह तक करना पसंद नहीं करता। नानी सीमा का तो साथ में पढ़ते हैं और जैसे कभी लाइट नहीं चार रुपए दिए चला के पढ़ते हैं और स्कूल भी नहीं जा पाते, वो कीचड़ भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि माननीय यहाँ आते ही नहीं, उन्हें इस गांव की स्थिति का पता ही नहीं। माननीय यहाँ आते भी हैं, लोगों से बातें भी होती हैं, पर 5 सालों में एक बार चुनाव के समय, और अब जब पिटारा खुला ही है तो बदहाली की कुछ और किस्से सुन लीजिए। इस गांव को बिजली तक नहीं नसीब हो सकी है। 5G और विश्व शक्ति की बात करने वाले इस देश में इस गांव के बच्चे आज भी लालटेन के सहारे हैं, लेकिन क्या मजाल साहब जो कोई समस्या का समाधान कर दे। यहाँ कोई जो है दुख तकलीफ हो जाए तो यहाँ कोई साधन नहीं है। यहाँ एम्बुलेंस आ नहीं सकती है, 5 किलोमीटर है। यहाँ से जो है खटोली में या गाड़ी में धर के ले जाते हैं। कच्चे फूस के मकान जो गरीबी, मजबूरी, लाचारी और बेहाली की योजनाओं से बना है, यानी कि कुल मिलाकर सरकारी आवास योजना यहाँ तक पहुंची ही नहीं। और यकीन मानिए इस गांव में दावों के महल और उम्मीदों के अपार्टमेंट हर चुनाव में बनते हैं और चुनाव के बाद दावे और उम्मीद अगले चुनाव के लिए संभाल कर रख दिए जाते हैं। कम से यहाँ हो गए हमको 50 साल 60 साल रहते रहते लगभग लगभग यहाँ कोई वो नहीं है। और यहाँ वोटों वाले आते हैं, मांग लेते हैं ये वोट देना, वोट दे देते हैं और फिर जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है और हमारी समस्या बहुत खराब है यहाँ।
जीतने के बाद आप कभी किसी के पास गए हैं इस समस्या को लेके? कोई नहीं गया, जाते हैं तो कोई नहीं सुनता। सवाल बहुत गंभीर है और स्थिति भयावह। शहरों में रहने वाले हमारे और आप जैसे लोगों के लिए ये सब कुछ बहुत एस्थेटिक लगता है, सब कुछ बहुत ओरिजिनल सा लगता है, पर यहां कुछ ओरिजिनल है तो वो है बदहाली। ऐसे में जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके वोटों से अपने घरों में बैठे नोट गिन रहे हैं, एसी के कमरों में रोटियां तोड़ रहे हैं। अब ऐसे में जरा भी मानवता बची हो तो जनाब अगला निवाला लेने से पहले इन गरीबों के बारे में जरूर सोचें। महोबा से रफ्तार मीडिया के लिए ऋतुराज राजावत की रिपोर्ट।